नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल सोबित बिजनेस वाला। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं हर बार आप लोगों के लिए नई नई अच्छी अच्छी वीडियो लाया करता हूं, तो हर बार की तरीके से इस बार भी एक अच्छी सी नई वीडियो लाया हूं। दोस्तों आज का टॉपिक है हमारा हल्दीराम की मूंग की दाल 20 रुपये वाली। तो मैं अपनी स्क्रीन पर दिखाने जा रहा हूं, तो प्लीज़ ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। दोस्तों जैसा कि आप मेरे हाथ में देख सकते हैं कि हल्दीराम की मूंग की दाल 20 रुपये वाली मैं अपनी स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। तो मैंने बता ही दिया है कि कोई भी ब्रांड होती है उसकी पहचान उसकी कंपनी से होती है। हल्दीराम का टैग ऊपर ही लगा आप जानते हैं, लेकिन फिर भी बताना हमारा काम है। दोस्तों ये हल्दीराम नमकीन प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से बनाया जाता है, और तो ये गौतम बुद्ध नगर यूपी इंडिया से बन के आया है। जी हाँ, आपने सही सुना। अब दोस्तों अब बात करते हैं कि इसकी लड़ में कुल कितने पीस हैं। दोस्तों इसकी लड़ में कुल 10 पीस है। कितने? 10 पीस हैं, देख सकते हैं। तो 4, 6, 8, 10। जी हाँ। और दोस्तों अब बात करते हैं, कोई भी चीज़ हम खाने पीने वाली लेते हैं तो उसका एक्सपायरी जरूर जानते हैं। क्या एक्सपायरी? क्योंकि मान लीजिए वो हमें नुकसान कर जाए। दोस्तों इसकी एक्सपायरी होती है 4 महीना। कितना? 4 महीना। जी हाँ, आपने सही सुना। अब दोस्तों अब बात करते हैं कि 20 रुपये वाले पैकेट में कि कुल कितना ग्राम माल है, कितना माल है। दोस्तों इस हल्दीराम की मूंग की दाल में इसके 20 वाले में कुल जो है 70 ग्राम माल है। कितना? 70 ग्राम माल है। जी हाँ। अब बात करते हैं इसके प्राइस की। तो मैंने बता ही दिया कि 20 रुपये का एक है, तो 10 पीस की दर है, तो 20 दाम। दोस्तों ये रिटेल में हो गया। अगर आप ये होलसेल में लेने जाते हैं तो आपको 170 रुपये की लड़ी पड़ती है। हाँ जी, मैं घुमा फिरा के नहीं बताता, सीधे बताता। 170 रुपये की ये पूरी लड़ी पड़ती है। इसमें दुकानदार को 3 रुपये पर पीस और 3 दाम 30, पूरी लड़ में 30 रुपये उसे प्राप्त होते हैं। जी हाँ। अब दोस्तों बहुत लोग कहते हैं गत्ता कितने पड़ता है। दोस्तों मैं इसका बता दूँ कि इसका जो गत्ता आता है हल्दीराम का, दोस्तों इसमें जो ये वाली जो नमकीन 20 रुपये वाली आती है उसका 10 लड़ का एक गत्ता आता है। कितने का? 10 लड़ी जो होती है उसका मिलाकर एक गत्ता आता है। तो उस गत्ते में ये पड़ती है 16.5 रुपये की एक पीस। कितने की? 16.5 रुपये की, यानी 165 रुपये की पड़ गई। जी हाँ। और वैसे अगर वो गत्ते में लेते तो 165 रुपये की लर, और थोक में लिया तो 165 की तो पड़ी गई गत्ते में। अगर फुटकर में लेते हैं एक आध लर तो आपको 170 रुपये में लगा दी जाती है। दोस्तों अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलेंगे आपको अगले किसी अन्य वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।